दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विशाल तिवारी और आप वेस्टर्न बैंकर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गाइज, अगर आप HDFC बैंक में घर बैठे माइनर के लिए एक सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो फाइनली गाइज, इस वीडियो में हमने आपको कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाई स्टेप करके बताया है कि माइनर घर बैठे HDFC जैसे बड़े बैंक में ऑनलाइन एक सेविंग अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर भाई मुझे कमेंट कर रहे थे कि भाई मुझे बताओ कि HDFC बैंक में माइनर घर बैठे एक सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करेंगे। तो फाइनली गाइज, आज के वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। इस अकाउंट को ओपन करने की जर्नी को समझने से पहले सबसे पहले इस अकाउंट के कुछ हाईलाइट समझ लेते हैं। जैसे गाइज, HDFC बैंक में माइनर अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उनको यहाँ पे बेनिफिट क्या क्या मिलती है। देखिए दोस्तों, HDFC जैसे बड़े बैंक में माइनर अपना ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ में गाइज, HDFC बैंक माइनर को जो है UPI यूज करने की भी फैसिलिटी देती है। यानी कि गाइज, UPI की जितनी सारी ऐप है जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इन सारी ऐपों को बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। साथ में गाइस, HDFC बैंक की इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग तो यूज कर ही सकते हैं। इसके अलावा HDFC बैंक में माइनर की जैसे ही अकाउंट ओपन होती है उनको यहाँ पे डेबिट कार्ड, चेकबुक और पासबुक की भी फैसिलिटी मिल जाती है। इसके अलावा HDFC बैंक माइनर को और भी काफी सारी फैसिलिटी देती है जो कि गाइस इस वीडियो में हमने आपको बताया है। अब गाइस हम बात करते हैं कि HDFC बैंक में घर बैठे माइनर किस प्रकार से अपने अकाउंट ओपन करेंगे। देखिए गाइज, इस वीडियो में हमने आपको कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाई स्टेप करके बताया है। साथ में गाइज, मैंने अपना अकाउंट भी ओपन करके दिखाया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम सीख लेते हैं कि घर बैठे HDFC बैंक में माइनर किस प्रकार से अपनी अकाउंट ओपन करेंगे। HDFC बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मिल जाएगी। फाइनली गाइज, उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप जो है HDFC बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, जहां से आपको अपने अकाउंट को ओपन करने की जर्नी स्टार्ट होती है। यहां पे आने के बाद फाइनली गाइज आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होती है। देखिए गाइज, यहां पे आप पर्सनल वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करके इस पेज को एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ पे आपके सामने काफी टाइप की ऑप्शन आएगी। जैसे गाइज होम पे, यहाँ पे सेव गाइज, यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने अकाउंट्स की ऑप्शन आएगी। और गाइज, इसी के नीचे यहाँ पे आपको सेविंग अकाउंट की ऑप्शन आएगी। गाइज, यहाँ पे आप सेविंग अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए गाइज, HDFC बैंक जितने भी प्रकार की सेविंग अकाउंट प्रोवाइड करती है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। जैसे गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेगुलर सेविंग अकाउंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेविंग मैक्स अकाउंट, और भी गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं वुमेन सेविंग अकाउंट। यानी कि गाइज, HDFC बैंक जितने भी प्रकार की सेविंग अकाउंट प्रोवाइड करती है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। बट गाइज, हमें माइनर के लिए सेविंग अकाउंट ओपन करना है जिनकी भी उम्र यहाँ पे 18 साल से कम हो, वे लोग इस अकाउंट को बहुत ही आसानी से ओपन कर सकते हैं। देखिए गाइज, यहाँ पे स्पेशल जो है माइनर के लिए HDFC बैंक दो सेविंग अकाउंट बनाई है, जिसका नाम है सुपर किड्स सेविंग अकाउंट और गाइज इसके नीचे यहाँ पे आता है किड्स एडवांटेज सेविंग अकाउंट। बट गाइज, इस अकाउंट को मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप जो है इस अकाउंट को ओपन करें। गाइज, यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे। देखिए गाइज, यहाँ पे ये जो रेगुलर सेविंग अकाउंट है, फाइनली गाइज इस अकाउंट को मैं यहाँ पे यूज करता हूँ और गाइज मैं घर बैठे इस अकाउंट को ओपन किया हूँ। दोस्तों, इस अकाउंट के साथ बहुत सारी बेनिफिट मिलती है, इसीलिए गाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है इस अकाउंट को ओपन करें। देखिए गाइज, आप बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करेंगे कि भाई रेगुलर सेविंग अकाउंट जो है माइनर को यहाँ पे क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड नहीं करती है, बट गाइज यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड प्रोवाइड करती है, जो डेबिट कार्ड की फ्यूचर बहुत ही बढ़िया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप ओपन इंस्टेंटली वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपनी अकाउंट को इंस्टेंट ओपन कर सकते हैं। और गाइज, यहाँ पे नाउ मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी अकाउंट से रिलेटेड पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। जैसे गाइज, इस अकाउंट में आपको कितना परसेंट की इंटरेस्ट रेट मिलेगी, इनकी फी एंड चार्जेस क्या है, इनकी डेबिट कार्ड की चार्जेस क्या है, यहाँ पे UPI यूज करने की चार्जेस क्या है। ऐसे कि गाइज, यहाँ पे कोई भी बैंक UPI यूज करने की चार्जेस नहीं लेती है, तो फाइनल गाइज HDFC बैंक भी UPI यूज करने की चार्जेस नहीं लेगी। देखिए गाइज, यहाँ पे आप इस पेज को स्क्रॉल के नीचे आएंगे, यहाँ पे हम आ गए हैं फ्यूचर्स वाले ऑप्शन पे। फाइनल गाइज, यहाँ पे फ्यूचर्स के बारे में बताया गया है। यहाँ पे गाइज आपको डेबिट कार्ड की डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जो डेबिट कार्ड यहाँ पे मिलेनिया डेबिट कार्ड होगी। यहाँ पे गाइज, अगर आप जो है मेट्रो या फिर अर्बन लोकेशन से है तो यहाँ पे आपको मिलेनिया डेबिट कार्ड यूज करने की फैसिलिटी मिल जाती है। अगर गाइज आप सेमी अर्बन या फिर रूरल एरिया से हैं तो यहाँ पे आपको मनी बैक डेबिट कार्ड यूज करने की फैसिलिटी मिलती है। और गाइज, इस डेबिट कार्ड की कंप्लीट फ्यूचर्स बेनिफिट के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे आप क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि इनकी फ्यूचर्स बेनिफिट क्या है। दोस्तों, एक्चुअल में मैं यहाँ पे मिलेनिया डेबिट कार्ड यूज करता हूँ, यहाँ पे काफी बेस्ट है मिलेनिया डेबिट कार्ड। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको जो डेबिट कार्ड प्रोवाइड की जाएगी, फाइनली गाइज उस डेबिट कार्ड का यहाँ पे कंप्लीट कैशबैक आपको देखने को मिल जा रही है। यहाँ पे आपको जो है पर ईयर 48 रुपया कैशबैक मिल जाती है।
यानी कि गाइस यह एक तरह से क्रेडिट कार्ड ही है। यहाँ पे आपको जितना रुपया क्रेडिट कार्ड में कैशबैक मिलती है उतना रुपया यहाँ पे आपको मिलेनिया डेबिट कार्ड के साथ मिल जाती है। साथ में गाइस यहाँ पे बताया गया है कि 5% की कैशबैक पॉइंट्स आपको हर शॉपिंग करने पे मिल जाती है और गाइस यहाँ पे आपको 2.5% कैशबैक पॉइंट जो है आपको ऑनलाइन स्पेंड करने पे मिल जाती है। तो फाइनली गाइस यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी बताया है कि मिलेनिया डेबिट कार्ड जो है बहुत ही प्रोफेशनल है। साथ में गाइस यहाँ पे आपको और भी काफी सारी फीचर्स आपको अपनी अकाउंट के साथ देखने को मिलती है। फाइनली गाइस आप यहाँ पे रीडिंग करेंगे तो यहाँ पे आपको कंप्लीट चीजें समझ में आ जाएगी। अब गाइस यहाँ पे बात करते हैं इस अकाउंट की एलिजिबिलिटी की, यानी कि गाइस आपको इस अकाउंट को ओपन करने के लिए यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे साफ तौर पे बताया गया है कि माइनर भी इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, जिनकी भी उम्र यहाँ पे 10 साल से ज्यादा है वे लोग इस अकाउंट को कंप्लीट ओपन कर सकते हैं। साथ में गाइस यहाँ पे बताया गया है कि माइनर जैसे ही इस अकाउंट को ओपन करेंगे उनको यहाँ पे एटीएम कार्ड यानी डेबिट कार्ड की फैसिलिटी मिल जाती है जिससे माइनर यहाँ पे ऑपरेट हो सके। फाइनली गाइस यहाँ पे साफ तौर पे मेंशन किया गया है, आप चाहें तो इसे रीडिंग कर सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे बताया गया है इंडिविजुअल लोग भी इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं जिनकी रेसिडेंशियल यहाँ पे इंडियन हो। अगर गाइस वे इंडिया के अलावा किसी दूसरी कंट्री से हैं तो यहाँ पे इस अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद गाइस उनको अपने अकाउंट में बैलेंस मेंटेन को लेकर के बताया गया है कि उनको अपने अकाउंट में बैलेंस कितना मेंटेन करना है। यहाँ पे देखिए गाइस बताया गया है कि अगर आप जो है अर्बन एरिया से हैं तो यहाँ पे आपको अपने अकाउंट में 10,000 रुपया बैलेंस मेंटेन करके रखनी है। अगर आप जो है सेमी अर्बन एरिया से हैं तो यहाँ पे आपको अपने अकाउंट में 5,000 रुपया मेंटेन करके रखनी है। वहीं गाइस अगर आप जो है रूरल एरिया से हैं तो यहाँ पे आपको अपने अकाउंट में 2,500 रुपया बैलेंस मेंटेन करके रखनी है। यानी कि गाइस यहाँ पे आपको 3 स्टेप में बैलेंस मेंटेन करके रखनी है। अब देखिए गाइस यहाँ पे पूरी कंप्लीट चीजें बताई गई है कि अगर आप जो है अपने अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करके नहीं रखते हैं तो यहाँ पे आपको कितना रुपया चार्जेस देनी होती है। तो यहाँ पे आप रीडिंग करेंगे तो ये चीजें समझ में आ जाएगी। जैसे गाइस यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप जो है मेट्रो या फिर अर्बन सिटी से हैं यहाँ पे आपको अपने अकाउंट में 10,000 रुपया मेंटेन करके रखनी है। और गाइस आप अपने अकाउंट में 5,500 से लेकर के और 10,000 के बीच में मेंटेन करके रखते हैं तो यहाँ पे आपको अपने अकाउंट में 150 रुपया देनी होती है चार्जेज के रूप में। और गाइस वहीं अगर आपको अपने अकाउंट में 5,000 रुपया मेंटेन करके रखनी है, अगर आप जो है 5,000 से लेकर के 10,000 रुपया रखते हैं तो आपको यहाँ पे 1 रुपया चार्जेस नहीं देनी होती है सेमी अर्बन के लिए। और गाइस यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप जो है मेट्रो सिटी से हैं और गाइस आप अपने अकाउंट में जो है 10,000 रुपया मेंटेन करके रखनी होती है, और गाइस यहाँ पे अगर आप जो है 5,000 से लेकर के और 5,500 रुपये के बीच में मेंटेन करके रखते हैं तो यहाँ पे आपको 300 रुपया देनी होती है चार्जेस के रूप में। और गाइस यहाँ पे सेमी अर्बन एरिया से हैं अगर आपको अपने अकाउंट में 5,000 रुपया मेंटेन करनी है और आप जो है 5,000 से लेकर 5,500 रुपये के बीच में मेंटेन करके रखते हैं तो यहाँ पे आपको 1 रुपया चार्जेस नहीं देनी होती है। साथ में गाइस यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप जो है मेट्रो सिटी से हैं या फिर अर्बन एरिया से हैं और गाइस आपको अपने अकाउंट में 10,000 रुपया मेंटेन करके रखनी है और अपने अकाउंट में 2,500 से लेकर के 5,000 रुपया मेंटेन करके रखते हैं तो यहाँ पे आपको अपने अकाउंट में 450 रुपया चार्जेस देनी होती है। और गाइस आप सेमी अर्बन एरिया से हैं और आपको अपने अकाउंट में 5,000 रुपया मेंटेन करके रखना है और गाइस आप अपने अकाउंट के साथ 2,500 से लेकर के 5,000 रुपया मेंटेन करके रखते हैं तो यहाँ पे आपको 150 रुपया चार्जेस देनी होती है। साथ में गाइस यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप जो है मेट्रो या फिर अर्बन सिटी से हैं और आपको अपने अकाउंट में 10,000 रुपया मेंटेन करके रखनी है और गाइस आप जो है यहाँ पे 0 रुपया से लेकर के 2,500 रुपया के बीच में रखते हैं तो आपको अपने अकाउंट के साथ 600 रुपया चार्जेस देनी होती है। तो फाइनली गाइस यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मेंशन की गई है। फाइनली गाइस आप इसे रीडिंग करेंगे। अब गाइस यहाँ पे हम देख लेते हैं फी एंड चार्जेस के बारे में। यहाँ पे गाइज आप फी एंड चार्जेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने अकाउंट की फी एंड चार्जेस के बारे में देख सकते हैं। देखिए दोस्तों इस डेबिट कार्ड का यहाँ पे कंप्लीट फी एंड चार्जेस मैंने ओपन करके रखा है। यहाँ पे गाइज आपकी डेबिट कार्ड की जो यहाँ पे एनुअल फी है वे 500 रुपया है। दोस्तों यहाँ पे आपकी मिलेनिया डेबिट कार्ड की फी जो है 500 रुपया है एनुअल फी। जिस डेबिट कार्ड को यहाँ पे मैं कम्प्लीटली यूज करता हूँ मैं ऑलरेडी जानता हूँ कि ये डेबिट कार्ड बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। और गाइस साथ में यहाँ पे आपकी डेबिट कार्ड की रिप्लेसमेंट चार्जेस यहाँ पे बताई गई है कि 200 रुपया है, प्लस में यहाँ पे आपकी टैक्स जो भी है उसे आपको पे करना होगा। और भी गाइस यहाँ पे काफी सारी चीजें बताई गई है। फाइनली गाइस आप चाहें तो इसे रीडिंग कर सकते हैं। अब देखिए गाइस इस अकाउंट की फी एंड चार्जेस यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे गाइस मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि बैलेंस न मेंटेन करने की यहाँ पे फी एंड चार्जेस है। यहाँ पे फाइनली गाइस मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है। बाकी गाइस यहाँ पे अगर आप जो है चेकबुक लेना चाहते हैं तो आप बहुत ही आसानी से ले सकते हैं, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बट गाइस यहाँ पे आपको चेकबुक की कुछ चार्जेस देनी होती है और गाइस यहाँ पे आपको अकाउंट ओपन करने की कोई भी चार्जेस नहीं देनी होती है। यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की चार्जेस नहीं देनी है अकाउंट ओपन को लेकर के। साथ में गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं इस अकाउंट के साथ फोन बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग को यूज करने के लिए यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की चार्जेस नहीं देनी होती है।
और गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं एटीएम कार्ड फ्री, यानी कि गाइज यहाँ पे जो आपको एटीएम कार्ड की ₹500 जो एनुअल फी चार्जेस बताई जा रही है ना, अगर आप अपनी अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं तो यहाँ पे आपको उस एटीएम कार्ड की एनुअल फी नहीं देनी होती है, उतना रुपया आपको यहाँ पे कैशबैक के रूप में प्रोवाइड कर देती है। तो फाइनली गाइज इस अकाउंट से रिलेटेड मैंने आपको कंप्लीट चीजें बता दी, क्या फ्यूचर है, क्या बेनिफिट है, यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। अब गाइज यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए गाइज किसी भी माइनर को अकाउंट ओपन करने के लिए उनके पेरेंट्स की डॉक्यूमेंट यहाँ पे अनिवार्य है, यानी कि गाइज साफ तौर पे बोलूं तो आपके पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपकी अकाउंट ओपन होती है। साथ में गाइज यहाँ पे माइनर को डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट देनी होगी और गाइज उनको पासपोर्ट साइज 2 पीस कलरफुल फोटो देनी होगी। अब गाइज यहाँ पे हम बात करते हैं कि इस अकाउंट को ओपन कैसे करेंगे। देखिए गाइज यहाँ पे आपको एक ओपन अकाउंट इंस्टेंटली की ऑप्शन मिलेगी, आप जो है ओपन अकाउंट इंस्टेंटली वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अगर गाइज आपको अपने अकाउंट को ओपन करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो फाइनली गाइज यहाँ पे आपको ब्रांच विजिट करनी होगी, क्योंकि गाइज माइनर को अभी शायद HDFC बैंक जो है ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी नहीं दे रही है, इसलिए आपकी अकाउंट ओपन करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो गाइज यहाँ पे आपको एक बार ब्रांच विजिट करनी होगी और गाइज वहाँ पे आपको अपनी अकाउंट ओपन करानी होगी। आपकी अकाउंट कंप्लीट ओपन हो जाने के बाद वहाँ पे आपको एक वेलकम किट मिलेगी और गाइज उस वेलकम किट में आपके डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक ये सारी फैसिलिटी ऑलरेडी पॉलिसी से मेंशन रहेंगे, तो फाइनली गाइज आप अपनी अकाउंट की कंप्लीट यूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा ये है कि आपको सही से सही इन्फॉर्मेशन दिया जाए, क्योंकि गाइज आपको YouTube पे बहुत सारे ऐसे वीडियोज मिल जा रहे होंगे जिसमें बताया जा रहा होगा कि HDFC बैंक में माइनर घर बैठे अपना ऑनलाइन एक सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और तो और गाइज वहां पे आपको प्रोसेस भी करके दिखाया जा रहा होगा, बट गाइज आप जैसे ही उस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने अकाउंट को ओपन करने की कोशिश करेंगे वहां पे आपकी अकाउंट जो है कंप्लीट ओपन नहीं होगी, जिसको लेकर के आपके मन में काफी सारी पैनिक क्रिएट होंगे, आपकी टाइम वेस्ट होगी। तो गाइज इसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे आपको सही से सही इन्फॉर्मेशन दिया जाए कि आप जो है HDFC बैंक में घर बैठे ऑनलाइन एक जीरो बैलेंस वाली खाता नहीं खोल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हुआ होगा और गाइज आपने ये समझ चुके होंगे कि HDFC बैंक में हम घर बैठे ऑनलाइन एक जीरो बैलेंस वाली खाता नहीं खोल सकते हैं। तो चलिए गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर इस पे कमेंट कर सकते हैं और ऐसे ही वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोज आपके लिए रेगुलर लाते रहते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।